नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अटल घाट के बोट क्लब में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया, जिसमें वेटलैंड का महत्व व जीवन शैली में वेटलैंड का क्या महत्व एवं वन जीव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब के बारे में बताया गया। वेटलैंड नदी तालाब के किनारे दलदली जमीन को पेंटेड की संज्ञा दी जाती है, जिसको जिला परियोजना अधिकारी कानपुर नगर शशांक शुक्ला ने बहुत ही बारीकी से मीडिया को बताया। वही मीडिया से रूबरू हुए 2007 बैच के अधिकारी मुख्य वन संरक्षक के पद पर तैनात के सिंह वेटलैंड दिवस के बारे में, पक्षियों के प्रति जागरूकता रखने के बारे में और वर्ल्ड वॉचिंग के बारे में बताया। और ये भी बताया कि आज के दिन पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें वहां पर काफी संख्या में मौजूद एनसीसी के छात्र एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं के अलावा वन विभाग की काफी संख्या में टीम मौजूद रही, जिसमें फोटोग्राफी कर रहे वाइल्ड लाइफ के प्रसिद्ध फोटोग्राफी जसमीत सिंह, गगन वाजपेयी, ऋषभ पांडे, अविरल पाल आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के गंगा बैराज जी, गंगा बैराज के किनारे आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है 2 फरवरी है, वेटलैंड डे है। इसको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ मनाया जाता है और यहाँ जो मुख्य वन संरक्षक अधिकारी हैं के सिंह जी, और बर्ड फ्लू जैसी बीमारी को देखते हुए उन्होंने जो कानपुर के मन, कानपुर की जनता के मन में जो जिस तरह से प्रश्न था, इस संबंध में भी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा। और हम अपने कैमरा में कहेंगे थोड़ा यहाँ की सीन को भी दिखाया, देखिए यहाँ पे किस तरह से आज का जो है दिवस है 2 फरवरी का किस तरह से मनाया गया है। हम कैमरा में कहेंगे थोड़ा उधर भी दिखाए और इनको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से मनाया जा रहा है इस पर 2 फरवरी को, जो वेटलैंड दिवस है, जिसमें पक्षियों के बारे में जानकारी दी जा रही। कई विद्यालयों के स्टूडेंट्स भी आए हैं और यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं के सिंह जी, उनसे भी बात हुई है और बर्ड फ्लू जैसी बीमारी को लेकर भी बात हुई, जिसके उपलक्ष्य में कानपुर का चिड़ियाघर बंद है, इस संबंध में भी आज उनसे बात की गई है। उन्होंने इसको जो कानपुर की जनता के मन में बर्ड फ्लू जैसी बीमारी को लेकर, इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन मनीष गुप्ता के साथ। मैं कृष्ण कुमार सिंह, भारतीय वन सेवा 2000 बैच का अधिकारी हूं। मैं इस समय मुख्य वन संरक्षक कानपुर के पद पर पदस्थ हूं। जैसे कि सर हम लोग गंगा बैराज पे भी आए हुए हैं, आप स्थित हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आने का क्या कारण रहा है? देखिए, आज विश्व वेटलैंड दिवस है और आज विश्व वेटलैंड दिवस के प्रति वेटलैंडों को संरक्षित करने और पक्षियों के प्रति जागरूकता करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है जो है, और आज बर्ड वॉचिंग डे भी हमारा प्रदेश जो है विशेष तौर पर मना रहा है। प्रत्येक जिले में जो है तमाम बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुला करके बर्ड वॉचिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि पक्षियों को देखें, पहचानना सीखें, उनको अभिलेखीकरण सीखें। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर भी जो है तमाम हमारे बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट हैं कानपुर में, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। वो 10-10 बच्चों के ग्रुप में विभिन्न टोलियाँ बनी हुई हैं और वो जा करके बर्ड वॉचिंग अभी करेंगे, काफ़ी देर तक करेंगे, पक्षियों को पहचानेंगे, उनका कहाँ क्या खाती है, क्या रहती है, इन सब बारे में जानकारी उनको देंगे, ताकि पक्षियों के प्रति उनमें जागरूकता पैदा हो। वेटलैंड डे जो दिवस मनाया जा रहा है, जैसे कि 2 फरवरी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत देश में है कि ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व में? आज विश्व वेटलैंड दिवस है। विश्व वेटलैंड दिवस है जी। तो ये कब से मनाया जा रहा है, मतलब ये अभी इसी सन 2021 से स्टार्ट किया गया है? विश्व वेटलैंड डे हम हर वर्ष मनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी वेटलैंड संरक्षण पे, तब से हम मनाते हैं। जैसे कि लोगों का मानना है कि बर्ड फ्लू जो बढ़ रहा है, आप इसके उद्देश्य में कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये सच है कि जो पक्षियां जो आजकल मर रहे हैं, मृत पाए जाते हैं, बर्ड फ्लू ही इसकी वजह रीजन है, और प्लस चिड़ियाघर भी यार लोगों ने बंद कर रखा है, तो ये बर्ड फ्लू की ही वजह से है, ये कहाँ तक का सच है, कुछ बताएंगे? देखिए, बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो है, अगर कहीं पाई जाती है तो उसमें सुरक्षा बरती जाती है। वैसे हमारे भारतवर्ष में बर्ड फ्लू जो है आर्मी में फैलने की कोई मामला प्रकाश में आज तक नहीं आया है भारतवर्ष। जी जी जी। फिर भी सतर्कता बरतते हैं हम लोग, अगर कोई मिलता है कहीं बर्ड फ्लू का पॉजिटिव निकलता है जी, उसके प्रति पूरी सतर्कता और आसपास जो है आवश्यक कीटनाशक आदि का छिड़काव करते हैं। सर, बर्ड फ्लू को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बर्ड फ्लू से घबराने की कोई बात नहीं है। बर्ड फ्लू कहीं पाया जा रहा है तो उसको भोपाल भेज के उसको चेक कराया जा रहा है, और बर्ड फ्लू अभी तक भारतवर्ष में कहीं भी मानव में नहीं फैला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, आपने उसमें कोरोना में भी देखा जो है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, उसके प्रति कोई चिंता न करें। अगर कहीं आ रहा है तो पूरा प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है जी। नाम शशांक शुक्ला है जी, मैं जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नेहरू युवा केंद्र कानपुर नगर से हूँ, और आज हम लोग यहाँ पे विश्व वेटलैंड डे जो है, कहाँ पे मना रहे हैं? ये हम लोग अटल घाट के बोट क्लब में मना रहे हैं जी, और यहाँ पर NSS, NCC, NYKS के अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे बीच थे, हमारे चीफ साहब थे, चीफ कंजर्वेटर साहब थे, DFO साहब थे, सब लोग आए थे। यहाँ पर जो
हमारा वेटलैंड है उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन शैली में इसका क्या महत्व है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर अगर ये सही से नहीं है, अगर हमारा वेटलैंड कम हो जाएंगे तो उससे पृथ्वी में किस तरीके के दुष्प्रभाव पड़ेंगे और उससे जो वन्य जीव हैं वो किस तरीके से उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। क्या आप हमारे चैनल पर वेटलैंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं? वेटलैंड जो भी किसी नदी नदी जो होती है, तालाब होती है, उसके किनारे की जो दलदली जमीन होती है उसको वेटलैंड की संज्ञा दी जाती है। वेटलैंड में कई तरीके के पक्षी निवास करते हैं और उसमें कई बार अपना वो परिवार आगे बढ़ाते हैं, अंडे देते हैं और एक पूरा जो एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, वो क्रिएट होता है। जी आप हमारे क्षेत्र की जनता, भारत देश की जनता, उत्तर प्रदेश जो हमारे साथ जो जनता है, इनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं बर्ड फ्लू को लेकर? क्योंकि जो आज अफवाह उड़ी हुई है इस अफवाह की वजह से आज कानपुर का जो जू है, यहाँ तक हमें लगता है उत्तर प्रदेश सारे जू बंद किए गए हैं, तो ये अफवाह कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है? देखिए बर्ड फ्लू का है, जो बर्ड फ्लू का असर है वो काफ़ी हद तक चल रहा है। जैसे कुछ हमारे जू में भी इसका सैम्पलिंग हुई थी तो पाया गया था उसमें बर्ड फ्लू का। तो जैसे कौवे हैं हमारे, जो उनके जिनके टच में आया है उनमें बर्ड फ्लू का है, लेकिन अभी ये क्या है जिस हिसाब से सावधानियां बरती जा रही हैं, सरकार की सक्रियता है इनको देखते हुए, पूरी इनकी मॉनिटरिंग करी जा रही है उसको देखते हुए काफ़ी बचाव भी इसके चालू कर दिए गए हैं। इस वजह से हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, बट छोटे छोटे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो उससे हम बहुत जल्द निजात पाएंगे। Yeah.